18 साल के उम्र में जब मोस्ट टीनेजर्स कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, तब एस शूटर मनु भाकर अर्जुना अवार्ड विनर बन चुकी थी। 14 साल की उम्र से जज्जर हरियाणा की मनु भाकर ने मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, टेनिस और स्केटिंग में नेशनल मेडल्स जीतने के बाद जब शूटिंग पर निशाना लगाया, तब से उनका निशाना हमेशा टारगेट पर ही लगा है। मनु के हाथों को स्टेडी रखने में उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। उनके करियर की शुरुआत में मनु के पिता मरीन बायोलॉजिस्ट की नौकरी छोड़कर उन्हें टूर्नामेंट्स ले जाया करते थे और उनकी माताजी टीचिंग की आमदनी से घर चलाने में मदद करती थी। लेकिन मनु ने बड़ी तेजी से शूटिंग में अपना नाम बना लिया और अब ये पहली बार 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट्स में 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। She will also team up with Saurabh Chaudhary in the mixed event. भारत कुल मिलाकर शूटिंग में 15 एथलीट्स भेजेंगे और मनु भाकर is touted to be India's brightest prospect for a medal. उनके past performances को देखकर उनसे मेडल की उम्मीद करना is unsurprising. करियर के शुरुआत में ही 2017 में उन्होंने नेशनल गेम्स में 9 मेडल जीते और फिर कभी पीछे मुड़के नहीं देखी। उनका कमिंग ऑफ एज मोमेंट था अगले ही साल में एट द 2018 मेक्सिको वर्ल्ड कप, जहां उन्होंने गोल्ड हासिल किया था। शूटिंग में इंडिया के यंगेस्ट वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी एट द एज ऑफ 16। 2018 एंड 19 में मनु भाकर 19 मेडल्स जीती अक्रॉस इवेंट्स। 2019 ISSF वर्ल्ड कप म्यूनिक में भाकर वाज गोइंग ग्रेट गन्स इन द 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल इवेंट, लेकिन वेपन मैलफंक्शन की वजह से शी कुडंट प्रोसीड फर्दर। करोड़ों लोग दुआ करेंगे कि दैट डजंट हैपन एवर अगेन। इंडिविजुअल इवेंट के साथ मनु भाकर सौरभ चौधरी के साथ मिक्स्ड इवेंट में भी मेडल्स जीतती आई हैं। 2019 के तीनों वर्ल्ड कप्स में गोल्ड और हाल ही में 2021 के क्रोएशिया वर्ल्ड कप में सिल्वर जीते हैं। मनु भाकर का पिस्टल लॉक्ड एंड लोडेड है, नजरें बुलजाई पर है, बस ट्रिगर दबाने की देरी है। हियर्स विशिंग हर अ ट्रायम्फेंट ओलंपिक सजर्न।